हमारा सूरज अपने पूरे 10 बिलियन साल यानी 1000 करोड़ के जीवन काल में जितनी एनर्जी रेडिएट करेगा उतनी एनर्जी एक GRB यानी गैमा रे बर्स्ट सिर्फ 30 सेकंड में ही रिलीज करता है। मतलब इसका 30 सेकंड सूरज के 10 बिलियन सालों के बराबर है। इससे आपको इसकी ताकत का अंदाजा तो लग ही गया होगा। ये विस्फोट अगर धरती से कई हजार लाइट ईयर दूर भी हो तब भी धरती को विनाश करने की शक्ति रखता है। और ठीक ऐसी ही कुछ गैमा रे बर्स्ट आज से 50 करोड़ साल बाद जरूर होगा। हमारी धरती से इंसानी सभ्यता का नामो निशान मिट जाएगा। और अब तक की कही हुई सारी बातों को आपने ऑलरेडी इस वीडियो के पहले एपिसोड में देखा था और उस एपिसोड में आप सभी के जबरदस्त रिस्पांस के चलते आपके सामने हाजिर है उसका अगला एपिसोड। तो अगर गैमा रे बर्स्ट के बाद भी अगर हम जिंदा बचे तो आने वाले 80 करोड़ सालों में धरती का खात्मा होना तय है। इस समय धरती पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पेड़ पौधे अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाएंगे। और यही फोटोसिंथेसिस से पेड़ पौधे धरती पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। तो अगर धरती पर ऑक्सीजन नहीं रहा तो हम जैसे बहुकोशीय जीव भी नहीं रहेंगे। तो इसके बाद आने वाले 100 करोड़ सालों में धरती को अंतरिक्ष से देखकर पहचानने लायक नहीं रहेगा और तब यह कुछ इस तरह का दिखेगा। इस समय सूरज की रोशनी इतनी तेज हो जाएगी कि धरती का औसतन तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। धरती पे मौजूद सभी समुद्र के ज्यादातर पानी इतने तापमान के चलते भाप में बदल जाएगा और धरती का बचा कुचा पानी नीचे साउथ पोल की तरफ चला जाएगा जहां आज के समय एंटार्क्टिका मौजूद है। तो आने वाले 150 करोड़ सालों में हमारा सूरज और भी तेजी से हीट रेडिएट करेगा जिसके चलते सोलर सिस्टम का जो हैबिटेबल जोन है वो और भी दूर चला जाएगा और हमारी धरती जो लाखों करोड़ों सालों से हैबिटेबल जोन के अंदर हुआ करता था वो उससे बाहर निकल जाएगा। दोस्तों हैबिटेबल जोन सोलर सिस्टम का वो हिस्सा होता है जो हमें जिंदा रहने के लायक हवाएं पानी और मिट्टी देती है। तो तब इस समय जिंदा रहने के लिए मार्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आने वाले 230 करोड़ सालों में धरती का आउटर लिक्विड कोर जो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है वो इतने सालों में जमना शुरू करेगा और अगर ये कोर जम गया तो धरती अपने मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा के लिए खो देगा। और जैसा कि आप जानते हैं यही मैग्नेटिक फील्ड हमें कॉस्मिक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बिना धरती पूरी तरह से इन जानलेवा कॉस्मिक रेडिएशन के सामने एक्सपोज्ड हो जाएगा। और अब तक जितनी भी जीव इन साउथ पोल के पानी के करीब जिंदा बचा था वो इसके बाद खत्म हो जाएगा। 280 करोड़ साल बाद धरती का औसतन तापमान 149 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा जिसका मतलब धरती पर कई तरह के बैक्टीरिया जैसे एककोशीय जीव इतनी गर्मी की वजह से खत्म हो जाएंगे। 330 करोड़ साल बाद एक बहुत ही माइनर 1% पॉसिबिलिटीज रहेगा कि बुध ग्रह का ऑर्बिट अनस्टेबल होकर शुक्र ग्रह के साथ बहुत ही जोर से टकराएगा जिससे दोनों ही प्लैनेट पूरी तरह से खत्म हो सकता है। 350 करोड़ साल बाद सूरज की रोशनी की इंटेंसिटी आज के समय से 40% ज्यादा बढ़ जाएगा और तब हमारी धरती कुछ इस तरह का दिखेगा जैसे आज के समय हमें वीनस यानी शुक्र ग्रह देखने में लगता है। और तब धरती का तापमान 1330 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। ये तापमान किसी भी पत्थर को पिघलाने के लिए काफी होता है। 400 करोड़ साल बाद हमारे इस पूरे गैलेक्सी का नक्शा ही बदल जाएगा। इस समय हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत ही दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में एक दूसरे से टकराएगा और बन जाएगा मिल्ड्रोमेडा गैलेक्सी। और तब मिल्ड्रोमेडा गैलेक्सी के किसी भी प्लैनेट से आसमान का नजारा कुछ इस तरह का होगा। इन आसमानों को देखकर ऐसा लगेगा जैसे मानो लाखों करोड़ों सितारे हमारे बिल्कुल पास ही मौजूद है। 500 करोड़ साल बाद सूरज अपने कोर में मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल को इतने सालों में खत्म कर चुका होगा और ये धीरे धीरे रेड जायंट फेस की शुरुआत करेगा। और आज से 760 करोड़ साल बाद यही सूरज आज के मुकाबले 256 गुना बड़ा हो जाएगा। लेकिन सूरज के बड़े होने से पहले हमें अपने पैसों को भी बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए जो हमें हमारे भविष्य को सेफ और सिक्योर करने में मदद करेगा। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अपस्टॉक्स जो कि एक एप्लीकेशन है और जिसकी मदद से आप अपने बैंक अकाउंट में मौजूद सेविंग्स को काम पर लगा सकते हो और आप अपने पैसों से और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट स्टॉक मार्केट और हाईली रेटेड ग्रोइंग अपस्टॉक्स ऐप के जरिए आप घर बैठे पेपरलेस डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट के अंदर और वो भी बिल्कुल फ्री में। बाकी कहीं से अगर आप यही डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए आपको अलग चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ आपको फ्री अकाउंट के साथ साथ अकाउंट बनाते वक्त वही आपको एक रेफरल कोड अपस्टॉक्स 300 ऐड करना है
और इसके बाद अपस्टॉक्स टीम आपको ऊपर से एक 300 रुपीस का फ्लिपकार्ट कूपन मेल कर देगी। और मैं आपको बता दूं कि इस ऐप के इन्वेस्टर खुद रतन टाटा है। इतने बेनिफिट्स के साथ साथ कई इन्वेस्टर एडवाइजरी जैसे टभागा, ओरोस्टॉक्स और एडवाइजरी मंडी से आपको 28,000 रुपए तक की फ्री सर्विसेज भी मिलेगी। सो जल्दी से डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए गए लिंक में जाकर आज ही इस ऐप को डाउनलोड करो और स्टार्ट कर दो अपना ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट विद अपस्टॉक्स। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं फिर से अपने भविष्य में। तो 760 करोड़ साल बाद सूरज आज से 256 गुना बड़ा हो जाएगा। इस समय चांद और धरती के आपस में टकराने की एक बहुत ही बड़ी संभावनाएं होगी। 790 करोड़ साल बाद सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि ये बुध, शुक्र और धरती जैसे करीब के 3-4 प्लैनेट्स को 256 गुना से भी ज्यादा बड़ा होने के चलते अपने अंदर निगल लेगा। और साइंटिस्टों के कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन के मुताबिक तब शनि ग्रह का चांद टाइटन हम इंसानों के रहने के लायक बनेगा। ये टाइटन वही जगह है जहां एवेंजर्स थैनोस से लड़े थे। लेकिन 800 करोड़ साल बाद कुछ ऐसा होगा जिसे शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा। इस समय सूरज और भी बड़ा होने की वजह बहुत ही छोटा होकर एक वाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा, जिसका आकार प्रेजेंट टाइम के सूरज का सिर्फ 54% ही होगा, जो लगभग आज के सूरज के आकार का अगर आधा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब हम और भी तेजी से भविष्य में आगे बढ़ने वाले हैं। तो 100 बिलियन साल बाद यूनिवर्स इतना एक्सपेंड हो जाएगा कि हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज के पास जितनी भी अदर गैलेक्सीज थे वो हमसे बहुत ही दूर चले जाएंगे, और वो दूरी इतनी होगी कि हम दुनिया के किसी भी डिवाइसेस से उनको नहीं देख पाएंगे। और अगर उस समय कोई भी आधुनिक सिविलाइजेशन जिंदा बचा तो उन्हें ऐसा ही लगेगा कि इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में वो बिल्कुल अकेले है और उनके बाहर ब्रह्मांड में और कोई भी गैलेक्सीज के लोकल ग्रुप्स नहीं है। तो 4 ट्रिलियन साल बाद सूरज के अलावा धरती के सबसे करीब मौजूद सितारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी अब तक जिंदा बचेगा। लेकिन इतने लंबे समय के बाद इसका भी वही हाल होगा जो हमारे सूरज के साथ हुआ था। 120 ट्रिलियन साल बाद हमारे ब्रह्मांड का आखिरी सितारा भी इसी तरह खत्म हो जाएगा। उस समय ब्रह्मांड में सिर्फ 4 चीजें ही एग्जिस्ट करेगी, जो कि है ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार, ब्राउन ड्वार्फ और व्हाइट ड्वार्फ। उस समय इन ब्राउन ड्वार्फ के आपस में टकराने से एक्सट्रीमली रेयर रेड ड्वार्फ स्टार उत्पन्न होगा, जो पूरे ब्रह्मांड में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 100 ही होंगे, जिससे आप समझ ही सकते हो कि ये कितना यूनिक और अनोखा होगा। 120 ट्रिलियन साल सच में बहुत ज्यादा समय होता है, और इतना समय काफी होगा अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए। और इसी के साथ साथ ब्रह्मांड से आखिरी सितारे की रोशनी भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और फिर इसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। शायद फिर से कोई बिग बैंग धमाका हो या फिर कुछ और जो हमारी सोच और समझ से परे हो, और वो सिर्फ आने वाला समय ही बताएगा, जिसे देखने के लिए हम नहीं रहेंगे। तो पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी अगर 21,000 लाइक्स का टारगेट पूरा हुआ तो हम इस बार भविष्य में नहीं बल्कि समय में पीछे जाएंगे, जो और भी मजेदार होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।